नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज़, मैं अमित भूपिया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा इन दिनों कांग्रेस की डूबती हुई नैया को पार लगाने के लिए ट्विटर का सहारा ले रही हैं। अब कोर्ट जहां कांग्रेस के बड़े नेता पी चिदम्बरम के खिलाफ INX मीडिया मामले में सुनवाई कर रही है, तो वहीं प्रियंका गांधी ट्विटर के जरिए उन्हें बचाने की कोशिश कर रही है। लेकिन प्रियंका के ट्वीट उनके लिए आफत भी बन सकते हैं। पहले भी प्रियंका का एक ट्वीट उन पर भारी पड़ चुका है, वो बाद में बताएंगे, लेकिन पहले आप चिदम्बरम साहब के समर्थन में प्रियंका का ये ट्वीट देख लीजिए। प्रियंका लिखती हैं, राज्यसभा के एक अत्यंत योग्य और सम्मानित सदस्य पी चिदम्बरम ने वित्त मंत्री और गृह मंत्री के रूप में दशकों तक निष्ठा के साथ हमारे देश की सेवा की। वे मोदी सरकार की विफलताओं को उजागर करते हैं जो इस कायर सरकार को पसंद नहीं है, इसीलिए चिदम्बरम जी को शर्मनाक तरीके से टारगेट किया जा रहा है। दोस्तों, फैसला कोर्ट ने देना है, सरकार और कोर्ट का क्या लेना देना। सरकार कैसे टारगेट कर सकती है, कोर्ट कैसे टारगेट कर सकती है। खैर, इससे पहले भी प्रियंका गांधी ने एक ट्वीट किया था जिस मामले में प्रियंका के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। धारा 504, 506 और 153 के तहत केस दर्ज किया गया है। प्रियंका गांधी के खिलाफ बिहार के मुजफ्फरपुर CGM कोर्ट में एक केस किया गया है। मुजफ्फरपुर CGM कोर्ट में वकील सुधीर ओझा की ओर से ये केस दर्ज करवाया गया है। सुधीर ओझा ने CGM सूर्यकांत तिवारी की कोर्ट में प्रियंका गांधी के खिलाफ धार्मिक अनुवाद फैलाने और लोअर कोर्ट के फैसले की अवमानना करने का आरोप लगाया है। उन्होंने परिवाद पत्र दर्ज किया है। परिवाद पत्र कोर्ट ने स्वीकार भी कर लिया है। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी ने पहलू खान मॉब लिंचिंग मामले में आए कोर्ट के फैसले के बाद ट्वीट किया था कि पहलू खान मामले में लोअर कोर्ट का फैसला चौंका देने वाला है, हमारे देश में अमानवीयता की कोई जगह नहीं है और ना होनी चाहिए, और भीड़ द्वारा हत्या एक जघन्य अपराध है। दरअसल कोर्ट ने पहलू खान मामले में सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। इसके बाद प्रियंका का ये ट्वीट आया है। इसीलिए वकील सुधीर ओझा ने प्रियंका के इस ट्वीट पर आरोप लगाया है कि ये ट्वीट लोअर कोर्ट के फैसले की अवमानना करता है और धार्मिक अनाद फैला रहा है। आपको बता दें कि पहलू खान केस 2017 का है। उस वक्त ये केस खूब चर्चा में आया था। पहलू खान पिकअप वैन से राजस्थान से हरियाणा मवेशी ले जा रहे थे। रास्ते में भीड़ ने गो तस्करी के संदेह में पहलू खान की पिटाई कर दी, जिस वजह से उनकी सरकारी अस्पताल में 3 अप्रैल 2017 को मौत हो गई। इस केस में 6 लोगों पर मामला दर्ज हुआ। अलवर की लोअर कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए संदेह का लाभ देते हुए सबूतों की कमी के आधार पर सभी 6 आरोपियों को बरी कर दिया, और इसी मामले पर प्रियंका गांधी का ये ट्वीट आया था। वैसे प्रियंका गांधी तो पी चिदम्बरम और अपने पति रॉबर्ट वाड्रा को भी बेगुनाह बताती है, लेकिन सच क्या है ये तो कोर्ट ही बताएगा। लेकिन दोस्तों, कोर्ट का फैसला हम सभी को मानना होगा। कोर्ट संविधान से चलती है और संविधान सर्वोपरि है। न्याय के लिए आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन संविधान हम सबको मानना होगा। संविधान इस देश में सबसे ऊपर है, सर्वोपरि है। इस मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए वीके न्यूज़।